लाल लंगोटो हाजी बनो लाल लंगोटो हद बनो और मुख में नागर पान लंका में बांदर चले श्री अजनी सुत हनुमान कवि लिखे लाल लंगोटा हद बनिया मुख में नागर पान लंका में बांदर चले श्री अजनी सुत हनुमान। भगवान श्री राम और सुग्रीव रे किष्कंधा नगर में ने मित्रता हुई तो बडेरा ही कया करे और तुलसीदास जी महाराज एक चौपाई में कहो के मित्रता केड़ी होनी चाहिए के भगवान कृष्ण और सुदामा जैसी, क्योंकि धीरज धर्म मित्र और नारी आफत काल परखिए चारी। ये चारा ने आफतरी घड़ी में परखना चाहिए और ये आफतरी घड़ी में आडा होने वाला है। धीरज धर्म के नहीं के अने बैठा मरता मरता बच गया, क्योंकि बडेरा और पुनाई आड़ी आ गई तो बडेरा पुनाई करी जने आड़ी आई। आरो धर्म है जो खूंटो बिनपुर और मिनकरी जान बचा दे। धीरे से धर्म मित्र मित्र बोई है जो अब खीर महीने आडो आवे वो है सच्चो मित्र। और तान सेना और गुटका खड़ा हो जिते मित्रता रखे दुख पड़े जन लाली गली निकले बे मित्र कोनी मित्रोलिया है बोरे बस काम ही नहीं पड़ाड़ो। धीरे से धर्म मित्र और नारी पति व्रता लुगाई है बाई है जो दुख रे घड़ी में पति रो साथ नहीं छोड़े और पति व्रता रो कने ठा पड़े के मिनकरी सेवा रो मौको आवे नी जिते में ठा पड़े। और जिते सेवा रो मौको नहीं आवे नी जिते कहीं ठाको पड़े नी आप रे रो पर रो। और मोचे में हूतों की सेवा करनी जन जान देने को वास्ते में आप रे धर्म मत है नहीं जने कह देने के मोजो मरे इनको मोजो छोड़े तो विचार करने के जाके जड़ी गए। क्योंकि कलियुगरी मर्यादा है कलियुगरी छाया बैरी कलियुगरो समय बैरियो है तो कलियुग में तो के आगे कई मत हो कई विचार हो कलियुगरी लीला बड़ी अनंत है। पर कलियुग में एक काम बहुत सरल है कि परमात्मा की प्राप्ति बहुत बैगी हुए और ये कलियुगरी लीला सब अटपटी है। पानी कलियुग महीने परमात्मा की अगर प्राप्ति करनी है तो ये कलियुग जैसा कोई युग नहीं है। बहुत बैगी प्राप्ति हुए कलियुग केवल नाम अदारा सुमर सुमर न रुतरो पारा सिर्फ भगवान रो सुमरण करनो बहुसा गुरु पारो देवे पण होवे कौन गण करो था तो अणी कोरोना गाल दियो आप रो कौन है परायो कौन है। क्योंकि भगवान ओ थोड़ो संकेत दियो मानव जाति ने के तू के मारो है मारो है मारो है ले तने एक छोटो चमत्कार बताऊं कौन थारो और कौन मारो है। आर कोरोना होयो नी जिते में धर्म पत्नी होती नी भाई बांसड़े उदाल हिरकाती बांस उदाल हिरकाती के ले लिया मने ठा को है क्या बोनी ठा है के हाथ लाग तो मने कोरोना होई मरू तो जको हाथ जाद लाया बेयाई छेती गाल दी तो दूधड़ा कौन आडो आतो कोई को आवे नी। तो कियोड़ो धर्म अगर करना है तो स्वामी राम सुखदास जी महाराज एक ही बात कहता है कि माला नहीं फेरी जे तो कोई बात नहीं। देखो संतारी बात कभी झूठी नहीं जा सके संतारी बात की बड़ी अनमोल है सत्संग बड़ी अनमोल है। स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहता है कि अगर भजन नहीं करी जे तो कोई बात नहीं माला नहीं फेरी जे तो कोई बात नहीं अच्छी तरह थोड़ो गृहस्थ रो पालन करो और गृहस्थ में रेपरा अगर भावसा गुरु पार होना चाहो तो दो बातों ध्यान रखिया केड़ी दो बात के घर में अगर बूढ़ा माँ बाप है तो थाने तीर्थ करने जरूरत कौन कठी मत फिरो ना। चारों धाम अगर तीर्थ करना है तो घरे माँ बाप री सेवा करो और माँ बाप रो अगर केणो नहीं करो और माँ बाप ने अगर ठोकर पाओ तो थे गंगा सागर भले भी यार जाया कहीं आनी है कोई जानी है। घर में तीर्थ माँ बाप और बारे पर उपकार बारे जाओ तो हो तो कह भलो करिया बुरो करो मत करिया ना तो भवसागर पार होनो ही पड़ी क्योंकि बुरो करियो कौन तो बुरो नहीं करे जिके हाथ बुरो हो कौन। और घर में अगर कोई संतान सुपात्र हुए अगर माँ बाप रे पगे लाग पर और दंदे माथे जावे तो संत महात्मा और भगवान कहवे कि जिन पर मात पिता की कृपा हुए
तो अकाल मृत्यु अणु सभ्या दी नासम हे अर्जुन जिके माते मां बाप रो आशीर्वाद होए घर लेर निकले अभी जीव री अकाल मृत्यु हो ही को सके। इति परमात्मा अगर क्योंकि भगवान है जिके मां बाप रूप में घर घर में विराजमान है पण पहचानी जना दोरा हो गया कलयुग है कलयुग में ने गौशाला अनाथ अनाथ आश्रम में ज्यादा मिली थाने और कहीं को मिले नहीं। आज वो 70 वर्ष पहला थे बूढ़िया बेटा देखा ठा है कि 70 वर्ष पहला कभी गौशाला ना होनी था कभी एक एक घर में 30-30 गाय रखता और घर घर में धीणो होया करतो जिका घर में कभी धीणो टरतो कोनी बोरे माट भरियो रहता दही रहा माट भरियो रहता छा रहा माट भरियो रहता दूध रहा मारे कभी धीणो टड़ियो कोई धापो टड़ियो और मारे कोई चीज की कमी को आई और मां करियो भाई खेती और अपनो ज्यादा मान मर्यादा इज्जत ही और मोटड़ो भाई जा तो छोटी के भाई रे टावर रू दिया तो नहीं तो छोटड़ो भाई कह तो कौन के भाई थे अगे कौन कर रहा जाओ हण एक लो कर रहा जो ठा पड़ दी आप तो आज समय परिवर्तन हो गयो घणो ही पण युग ने नमस्कार है पण अजी अपारे राजस्थान री मर्यादा है जकी संस्कृति ने बेणरी है और राजस्थान एक धरती ऐसी है जकी जटे श्रोमणी भक्त होया तो किष्किंधा रे महीने भगवान और सुग्रीव रे बीच मित्रता हुई तो भगवान सुग्रीव ने पूछ के हे सुग्रीव थार इन बंदर फौज रे महीने कोई एडो बांदो है जो को लंका में जा और सीता जी की खबर कर सके। तो जामवजी महाराज के महाराज है तो खरी पण बाने आप रो बड़ याद आनो पड़े फिर तो बे हजार योजन ऊंचो सूर्य बसे बोने भी मुख में गालियो भाई कपी हनुमान है तो बेटे में हनुमान जी महाराज ने समुद्र किनारे ले जा और जामवजी महाराज समझावे और कहीं कहे है हनुमान की आवे के सुनी जामवात के वाद कपी ने मारी है एक पदाक हनुमान जी महाराज ने जामवत जी महाराज दार समझावे के हे हनुमान जी महाराज आज भगवान श्री राम ने मैंने अबखी पढ़ी है और अबखी में आडो आवे वही आपरो होया करे और भगवान और सुग्रीव के पीछे मित्रता हुई है तो भी मित्रता रो फर्ज होए के अबखी में मित्र रो साथ देनो चाहिए। हे हनुमान जी महाराज आप हजार योजन सूर्य भगवान ऊंचो बसे जिकने था मुख में गालियो तो थारे आगा लंका कहीं भाव कोनी थाने लंका जानो पड़ी। तो हनुमान जी महाराज ने बल और जोश याद आयो और हनुमान जी महाराज बड़ा जोश रमिनेदार भगवान श्री राम रे चरणा लाग और केवे हे प्रभु लंकपुरी में जाऊंगा सिया की सारी सुध लाऊंगा हे महाराज आप मने हुक्म देओ तो मैं लंका जा और माँ सीता खबर कर अबार आप रेखने पाछो आऊं। पर महाराज मैं लंका जाऊं अरबा मायावीर नगरी है और नाना प्रकार राक्षस है देखे नाना प्रकार रूप धारण करे और अगर मैं जाऊं और सीता जी मारे माते विश्वास नहीं करी तो मैं कहीं करूं। तो भगवान श्री राम कहे हे हनुमान आ तू एक मूंदड़ी ले पर जा मारी आ मूंदड़ी तू सीता जी ने बताई तो थारे माते पूर्ण विश्वास करी। उन टाइम हनुमान जी महाराज मूंदड़ी ले और मुख में रखी और हनुमान जी महाराज बड़ा जोश
बड़ा बल पर्वत माथे उड़िया जिते में एडी लागी पर्वत रे तो भी पर्वत नहीं कवि के है के पाताल में गालियो बतावे। और हनुमान जी महाराज बठो रवाने हुए है तो इन्हें देवी देवता मन में विचार करे के हनुमान जी महाराज ने भूलने की आदत है आ नहीं वे के 400 कोस रो समुद्र पार करता बीचे कटी भाकर माथे बैठ रहा आराम कर ढोके लार की बात होई भूल जिया तो हनुमान जी महाराज रखना कही बोले हनुमान जी महाराज ने केनी जच ने भेजो तो पाताल लोकर माने इस सरपारी माता सुरसा उन सुरसा ने कहो हे सुरसा तू हनुमान जी महाराज ने जाचन खातर जा तो वे टेम में सुरसा समुद्र के बीच में आपरो शरीर एक योजन लंबो चौड़ो करियो है तो एक योजन चार कोस होया करे है और चार कोस लंबो चौड़ो शरीर कर हनुमान जी महाराज रो मार्ग रोके है तो हनुमान जी महाराज हाथ जोड़ प्रार्थना करे और सुरसा ने कहीं समझावे है हनुमान की ब्रह्म ऋषि क्षेत्रेश्वर दाता की जज हनुमान जी महाराज सुरसर आगे जा और सुरसा ने केवल लाग्या हे माता आप मारो रस्तो क्यों रोको बोले तने खाऊं तने खत्म करूं इर वास्ते रस्तो रोकियो तो हनुमान जी महाराज कहे हे माता मैं आज भगवान रे काम जाऊं लंका में सीता जी रो पतो करने वास्ते और सीता जी रो पतो कर और भगवान ने समाचार देवंडे पाछो थार कने आज्यो तू खाली बली सुरसा कह रे भाई मौत रे मुंडे में जोड़ो कोई पाछो आवे जो को तू मने झूठ बोल परो जावे तो हनुमान जी महाराज कहवे रामचंद्र जी की सीता नारी वो हर ले गयो रावण बलकारी उनको खोजन जाऊं मां तारी मने पतो लगावण दे आज मारे काम जरूरी है तो मने लंका में जावण दे तो सुरसा हनुमान जी महाराज जद हनुमत बोले ऐसी वाणी सुरसा सिर पर एक नहीं मानी हनुमान जी महाराज नाना प्रकारों सुरसा आगे हाथ जोड़ प्रार्थना करे पण बेरण एक ही माने नहीं जद हनुमान जी विचार करियो रे वो घरों टोड़ता ही तो खोटी पो है अजय पेंडो घणो पड़ियो आगे एड़े बेगारो कई मिली जना पत भली बार मेणा काट दो रस्ते में तो वही टाइम हनुमान जी महाराज सुरसा अपने शरीर ने चार योजन में करियो तो हनुमान जी महाराज आठ योजन में करियो तो सुरसा अपने शरीर ने बारह योजन में करियो तो हनुमान जी महाराज सोलह योजन में करियो जिदो जिद में बेउन ढुका चिकटे में सुरसा अपने शरीर ने पूरो बत्तीस योजन लंबो चौड़ो करियो और जोरदार गर्जना कर मूंडो फाड़ियो बीकानेर कोट गेट जो मूंडो घनी मोटो हनुमान जी महाराज एकदम सूक्ष्म रूप धारण कर और भी सुरसा रे मुंडे में प्रवेश होया है और पाछा निकल और सुरसा आगे हाथ जोड़ विनती करे बोले माता ले हमें मने जावण दे मैं थारा वचन निभा दिया जद सुरसा कहे महाराज सारे काज सरेंगे दुष्ट मरेंगे
हे प्रभु मैं तो थारी खोज खबर और जांचन वास्ते आई, मने पूरो विश्वास है के थे लंका जाओ पण महाराज मई देख लियो पग में थारे दिया जगह गोड़ा कहीं खोंगा डडई खासा करो, क्यों कई दुष्टों रो विनाश भी थारो हाथों होनो है और भी लंका रो विनाश भी थारे हाथ होई। इर वास्ते महाराज सारे दुष्ट मरेंगे काज सरेंगे थारे हाथों भगवान रो कारज सरी। इन वास्ते महाराज आप पधारो बली, मैं तो आपरी खोज खबर करनी जाई थी परीक्षा लेवन आई। तो हनुमान जी महाराज सुरसा बटू आशीष से हनुमान जी महाराज आशीष ले परा रवाने हुए, तो इन्हें लंकाओं पहला रावण ने छोड़ी समुद्र में एक छींका गारी छड़ गारी रेती समझ के माई बड़ी भयंकर विकराल राक्षसनी जिकी समुद्र में यहाँ रहा करती, और कोई भी अगर नर ना हो या कोई पशु पक्षी भी उड़ जाओ तो मेरी छाया ने पकड़ और खापरी खत्म कर देती। तो हनुमान जी महाराज ने जिया ही छिया पड़ी और जई भी छिया ने खाचनी हरू करी। हनुमान जी विचार करी अठी कोई कोई बेगार है का कोई घोटी कोई जे। तो हनुमान जी महाराज जोरदार भगवान रो नाम स्मरण कर जोरदार किलकार मार और नीचे उतरिया उतरता ही एक मुकीरी ठोकी गुदीर मो भाई हिज की खत्म होगी दाफो फाट गई ठेर चार चार फुट गई। और हनुमान जी महाराज बठो रवाने हुए हैं और चार से कोसरो समुद्र पार कर और लंका रे किनारे एक पर्वत माधे चढ़ पड़ा लंकारी शोभा देखे तो कवि कहीं वर्णन करे है हर के सोनेरे गढ़ लंका देखे रे सोनेरे गढ़ लंका देखे तो सोनेरी गढ़ लंका देखी सोनेरा परकोटा बड़ी बड़ी दीवारों रा परकोटा देखिया है और सोनेरी गढ़ लंका देखी और सोनेरा परकोटा और भी परकोटे रे महीने नाना प्रकार रा असुर और कई सूरवीर कई बलवान अखाड़ा रमे है हमसे लड़ो हमसे लड़ो हमसे लड़ो करे है। हनुमान जी विचार करे जे दिन में ही लंका में प्रवेश करानी तो मरिए कर्ण को देनी ई गांव में तो भाई रे होपो पड़ियो पछे कोई काम होय। तो हनुमान जी महाराज लंका रे ऊपर उड़े और पूरी लंका में ने नजर फैलावे भाई सीता जी रो अपन कटी ठायो हाथ आ जाओ तो हृदय वटी जाओ। लंका फिर के जब जोई निगा सीता की ना होई चारा खानी देखी तो सीता जी की कटी खबर लागी नहीं है और गांव रे किनारे पणगट माथे जा हनुमान जी महाराज बैठा है अड़ी के भाई गांव में होपो पड़ियो पछे जा लो। हनुमत जाय खड़ा पनगट पर बातें करे दो सुंदरी सीता माता री गोदी में हनुमत ने डाली मुंदड़ी पनगट माथे कई राक्षसियों पानी भरने आवे और जठे 10-15-20 लुगाया भेड़ी हुए गांव रे किनारे तड़ाव माथे तो गांव में भी में राजस्थान पत्रिका रे जरूरत को पड़े क्योंकि लगभग गांव समाचार तड़ाव माथे मिल जावे। तो कई जना विचार करे भाई अपारो रावण जो सीता रो हरण कर ले रहा है इन्हें बार बार समझावे फिर भी बात सीता माने कोनी। तो हनुमान जी विचार करियो ई बाई ने होले होना ठा है और आ बाई कहीं कहीं अपने ठिकानो दे। हनुमान जी महाराज जार पूछे बहन मारी तू मने बता बा सीता जी है कठे जीती दूजोड़ी बोले बाई खबरदार है क्योंकि अपारी नगरी रो मिनक कोनी और पराई नगरी रे मिनक ने गौरा भेद नहीं देना। बोले अपने गांव में मोटी मोटी मूछारा मोटिया रे पण ई भाई रे मोटी पूछे वो दूजी धरती रो मिनक है फिर बात चुप रहने भाई दो क्या
के समुद्र में रह मगरमच्छ को बैर खटे नहीं, लंका में रह पर रावण को बैर खटे नहीं। अगर रावण ने ठा ला तो हो सके नाक ही पाड़ दे और हो सके गांव बारिज काट दे। तो दूजोड़ी बोली साहब मोने कहीं ठा नहीं, आप ही लंका रे गेट रमीने प्रवेश करो तो लंका रे किनारे रावण ना छोटा भाई विभीषण जी महाराज रहे, अरबे भगवान श्री राम रा भगत है, अरबो कोई बात छानी कोनी थोने बात बताई जी बेज बताई। तो वे टेम हनुमान जी महाराज आधी रात ढली जीते पणगेट माते बैठा रहा और आधी रात ढली जीते में एकदम छोटो सूक्ष्म रूप कर और हनुमान जी महाराज गेट रे माते आवे है तो गेट रे माते बड़े भयंकर एक राक्षसणी देखेरो नाव लंकणी और वह लंकणी फोरो लगावे है और हनुमान जी महाराज जो गेट रे माते आवे तो लंकणी की नजर पड़ी और पड़ता ही कह रहे बांदर इधर जावे आगे। हनुमान जी विचार के लिए भाई गांव हैंग में होपो पड़ गयो तू जे जागती फिर थारे बिछड़ा में कोई कीड़ी नगरों मरे कोई बात है बोले मारो लंका रे गेट रे माते पोरो लागे। हनुमान जी महाराज कहे यहां जोर उभर के जी की गांव ने जगाणी तो करो काई। तो हनुमान जी महाराज थोड़ो रूप ने डंगरो कर और एक मुकीरी ठोकी है भाई ही जठी मुरसागत होगी ही जठी भाई ने बूझ आ गई आधे घंटे उ चेतो करियो हनुमान जी महाराज रा पग झा लिया और कहे महाराज मैं थाने ओळख लिया और मने ठाए थे भगवान रा पायक हो और सीता जी की खबर करने आया हो। हनुमान जी के भाई तने एक मुक्की में ठिकाणो कौन को रहते हो मने बता। तो हनुमान जी महाराज ने लंकणी बोले महाराज एक समय लंका रे मैंने ब्रह्मा जी महाराज आया जब मैं ब्रह्मा जी ने पूछो हे ब्रह्मदेव ई लंका में वो अनीति रो राज कितना दिन चली। जब ब्रह्मा जी कहो हे लंकणी एक बांदर री मुखी अगर तू मुरसागत हो जाए उन्हें जन जान ली कि हमें लंका रो खोना और सोने दिन आ गया जन महाराज एक मुखी तो बेचे धाइज करी है और मने होले होना बैम धार माथी जे के कहीं कहीं थे लंका रो अभी बोला और महाराज ओ गेट खोलू हूं ई गेट मा तू कड़े छिड़े है अठू मुंह जोड़े रोक टोक भड़को इन कठी इर वास्ते आप जाओ और भगवान रो स्मरण कर परा लंका में प्रवेश करो। तो हनुमान जी महाराज लंका रे मैंने बड़े है और लंका में बड़ परार कैडी माया देखे और कहीं विचार करे है हरे दशरथ शिष और पीस बुझा रावण को है सूता हनुमान की सियावर रामचंद्र भगवान की। तो कहवे जाई हनुमान जी महाराज लंका रे मैंने प्रवेश करे तो अनोखी मेमा देखी बोले दस शीश और बीस भुजा रावण को जब सूता पाया अजब अनोखी देखी माया कुंभकर्ण की थी माया ठाले बोले रे सोरे तो मूछा पड़िए विचार करियो वारे मिनखा कैडी सोनेरी लंका जके ने राक्षसों ने बुलाई है। दस शीस और बीस भुजा रावण को जब सूता पाया अजब अनोखी देखी माया कुंभकर्ण की थी माया अरे घूमत घूमत कपि ने पाया है विभीषण का धाम गांव रे किनारे भगत विभीषण ने मकान देखियो तो भगवान रे भक्तों रा मकान थोड़ा मोड़ाई जुए थोंठा है क्योंकि भगत और जगत रे बैर हुए है और भगत रे घरे लक्ष्मी रो विवास थोड़ो मोड़ो हुए है क्योंकि लक्ष्मी जी भगवान ने पूछियो कि हे परमात्मा आप तो जगत पिता परमेश्वर हो और आपरी माला पूरी सृष्टि फेरे पर आप माला के फेरो जद भगवान कहे हे लक्ष्मी भगत है जगह मारा मुगट मणि है और भगत है जगह मारा सिरा मोड़े और मारा भगत मारो बड़ा है जद लक्ष्मी जी पूछियो मारा था मोटा जब मारा हेगड़ा जेठ ही जेठ है और जेठ रे घर में बिंदनी काम कोई।
तो लक्ष्मी जी नहीं पहुंचे जन बजे बुआ जी तो पहुंचे ही पहुंचे। पण भगवान के हे लक्ष्मी अगर मारे भक्तों ने ते दोष या मारे भक्तों ने तकलीफ दी तो तू मने दुख देला। मारो भगत ने माथे चोट नहीं पड़नी चाहिए, मारो भगत दुखी नहीं होना चाहिए। और भगत रो अनादर मैं कभी सहन को करो नहीं, भगत री भूख तिसने सहन कर ले, पण भगत ने तू करो बीड़ो सहन को। दर लक्ष्मी जी कहो हे महाराज लायक है में कोई कमी कोरे नहीं, करोड़पति होने चांस कोरे नहीं। बोले बोले ही नहीं तो भगवान राज के भक्त होया वो मोह माया रो त्याग करिया। यदि भगवान रा अति प्रिय भक्त होया या वो संसार रो त्याग कर पर संत बनिया, और संत बनिया दन बे कुल तार दिया, और 50 पीढ़ी के कुल में अगर संत हो दिया तो 50 पीढ़ी तार दिया करे। और विभीषण जी महाराज रो बाण नो बजायो, जने विभीषण जी महाराज भगवान रो भजन लंकार में ओले छानी करता। हां रात के टाइम में बाण नो बजायो, जने विचार करियो का तो अपनो कीर्तन होणी गयो, का गिरे आ गई रात रो गेट कौन बजावे। तो विभीषण जी महाराज डरता डरता बाहर नो खले है, जिते भगवान ने आगे हनुमान जी महाराज ने देख और विभीषण जी महाराज बड़ा राजी हुआ है। और विभीषण जी और भगवान रा भक्त हनुमान जी महाराज दोनों भगवान रा अति प्रिय भक्त है, दोनों गले मिलिया है। और विभीषण जी महाराज हनुमान जी महाराज ने कहे हे हनुमान जी महाराज आप तो भगवान कने 24 घंटा रहो, तो एक बार मने भी भगवान रा दर्शन कराओ ताका मारा अनंत पाप है ई कुल में जन्म ले पर और मारो पापों रो विनाश हो, क्योंकि मैं राक्षस कुल में जन्म ले लियो और भगवान रा दर्शन करना है। हनुमान जी महाराज कहे विभीषण जी थे रो दर्शन में मैं तो बिन चुना वो लंकाल रात थाने दरावन लागोड़ा हो गई। क्यों के क्यों कह रो भगवान लंका में चढ़ाई करी दुष्टों रो विनाश करी ई रावण रो वध करी और लंका रो राज तिलक थारोज करी, इर वास्ते आप डरो मत और मने सीता जी री थोड़ी बावड़ समाचार दो ताकि वो पतो करने वास्ते आयो। तो विभीषण जी महाराज कहे हे हनुमान जी महाराज ई लंकारे मैंने एक अशोक वाटिका है और अशोक वाटिका रे मैंने एक बड़ो अशोक वृक्ष है, उन वृक्ष रे नीचे सीता जी बैठा है, पण महाराज बटे नागी तलवारो रो कोरो लागे, थोड़ो ध्यान राख दो आनी वे के बटे राक्षस जी है जकी नाना प्रकार की तलवार लियोड़ी और सीता जी ने बार बार दुख दे रही है, और मोरा 5 मिनट है जकी 5 वर्षों जिता दौरा निकले थोड़ा चेते हो गया। तो हनुमान जी महाराज एकदम सूक्ष्म रूप धार कर और भी बागर में आवे अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष रे ऊपर चढ़ पड़ा और सीता जी रा दर्शन करे। इन्हें आधी रात डली आधी हली डली तो रावण आपरी रानी मनोदरी ले दासी दासियां ने ले और सीता ने बाग में समझाने वास्ते आवे। बोले हे सीता रानी मनोदरी जैसी रानी मैं थारे आगे दासी बना दूं, पण तू महल में आ गया। सीता कह रहे दुष्टि पापी दुराचारी जीव अगर तू सूरवीर हो तो तुम्हारे पति रे सामने मने हरण करतो, पण ते साधु रो ब्राह्मण कर मने छड़ो कपटू ते मने हरण करी थारे दुष्टि रो मुंडो देखे मारो पति पड़ता रो धर्म नष्ट हुए। दुष्ट कहो तो केम रावण खड़क उठाई मनोदरी हाथ पकड़ियो बोले राजा इति अनिति मत कर, अनिति हूं मोटा मोटा गढ़ बुआ गया है बोलो, अरा सीता कोनी लंकारो काल है इर वास्ते पासो गिरजा परिस्त्री पर हाथ नहीं उठानो। तो रावण ने समझाई मनोदरी रानी और रावण 1 महीने री म्याद गाल बटो पाछा आवे हनुमान जी महाराज ऊपर बैठा कड़कड़े बाटे के जे भगवान मने आ कह दे के तू सीता ने आ तो लिए ही तो एक मुखी विरहा काट दू, पण मने भगवान रो हुकम कोनी और बिना हुकम मैं काम करूं कोनी। वे टाइम में हनुमान जी महाराज ऊपर बैठा देखिए रावण पाछो जावे तो सीता जी खने एक भगवान री भक्त रहया करती राक्षसनी जाति री पण भगवान री प्रिय भक्ति जिकरो नाम हो त्रिजटा, और त्रिजटा ने सीता जी कहवे हे त्रिजटा तू ई लंकामो कठु अग्नि लार दे ताकि मैं बड़ भस्म हुई दुष्ट रो मैं बार बार मुंडो देखो तो मारो धर्म नष्ट हुए। हे अशोक अशोक वृक्ष ने सीता जी कहवे हे अशोक तू शोक हरण कर, मारे शोक है मारो दुख है लेकिन हरण कर थारे पतार में नीति तीखी धारा कर और पतारी बरसात कर दे ताकि मारे शरीर का बोटा बोटा हो जावे, मैं बार बार मरू नहीं जिके हूं देखे हाथ मर गयो दारो छूट जावे। वे टेम त्रिजटा दिस बंदा बोले हे सीता तू एड़ी बातों मत कर, क्योंकि भगवान त्रिलोकी रो नाथ और भगवान जका बैर करिया बोरा पग पांदरा लाग्या कौन, राम बड़ावे बे सभी बड़े बल कर बड़े नहीं कोई, बल कर राजा रावण बड़ियो दीनी लंका ने खोई, आप और बल कर बदे नहीं बे घना दिन टिके को नहीं वास्ते जका माते भगवान री कृपा होए बोने कोई मार को सके। तो हनुमान जी महाराज ऊपर बैठे फूंक मारे और जीती राक्षसणी आई जीती भीतर पाड़ी डिगली होगी होई
बेचेत और पड़ी हुए टेम सीता जी क्यों लागा तो हनुमान जी महाराज अपने हाथ मुंदड़ी सीता जी के खोले में नखे और सीता जी कहीं कहे सीता बैठी गिर के माय सीता अरे बैठी गिर के माय कपचट सीता जी बड़ा भयंकर दुख में बैठा ओए टेम हनुमान जी महाराज बा मुंदड़ी आपरे हाथों सीता जी ने खोले में नखी सीता बैठी प्रह के माई कपिने छिटकाई मुंदड़ी अरे सीता देखत ही पहचानी या तो रघुवर की है सेनानी अठे कौन जिनाव रानी जो संग में लायो मुंदड़ी हे त्रिजदा इन लंकर में ने एड़ो जानवर कौन आया जो को आज भगवान री यात्री है नोनी लेन आयो ओए टेम हनुमान जी महाराज एकदम सूक्ष्म रूप करो बिलो देख रो और दबंदने नीचा खो दिया और माता जी ने कह लगा हे माँ आ मुंदड़ी हूं लेन आयो सीता जी देख बोले मैं तो जानू ना तो है वीर तू है कोई छलगीर मैं तन ओड़खो कोनी गिरा तो कोई कोई छलगर है और मने छलन वास्ते आयो है अरे मैया मैं ना हूं छलगीर मुझको भेजा है रघुवीर संग में लायो हूं मुंदड़ी मैं छलगर कोनी मने भगवान श्री राम भेजियो है आपने समाचार लेने वास्ते और मैं भगवान रो पायक हूं तो सीता जी देख बोले ना तने देखियो मैं पूरी अयोध्या ना सरवरी तीर्थ ना तो भगवान हाथे तने कदी देखियो ना तने अयोध्या में देखियो तो भरोसो वही की कर बता तो हनुमान जी महाराज क्या लगा हे माता किसकंदर नगर और राजा सुग्रीव जिकी रो सेना रो सेनापति हूँ और भगवान और सुग्रीव बीच मित्रता हुई और मैं भगवान रो समाचार ले आप तक आयो हूँ जद हनुमान जी महाराज ने एक बिलांतरो देख और सीता जी ने हंसो आयो सीता देखत ही मुस्कानी तेरी छोटी सी है जिंदगानी बोले रे भाई हाँ एक बिलांतरो आदमी और वो चार से कोस रो समुद्र हाँ वो छोटे मोंडे मोटी बात करे बिटिया बाप हंसो आवजड़ी बात करे कहीं आडे बड़े आदमी डंगरो हो तो बह भी करो पर तू एक बिलांतरो आदमी
हनुमान जी महाराज के मैया मने छोटो सो मतीजान में हूँ बहुत ही बड़ो बलवान और बल दिनो मोहे भगवान में इंगी दिलायो हूँ मुंदड़ी मने तो हाँ नैनो मत गिरना राम जी की कृपा है वे टेम सीता जी जो भ्रम मिटाने वास्ते हनुमान जी महाराज आपने शरीर ने एक कोस लंबो करियो पूरो 3 किलोमीटर और सीता जी आंख फेर गई बोले है तो कोई भगवान रो पाए इनमें तो कोई फर्क नहीं है। तो हनुमान जी महाराज लंका में ने चारों खरी नजर घुमाई तो भी बागर में ने देखे अच्छा अच्छा फ्रूट लगोड़ा फल लगोड़ा केड़ा लो मौसमी लो संतरा लो चीकू लो मन में विचार करी रे चार से कोसरो पेंडो करी रे बिचे किते हिरोण नहीं करियो क्योंकि आए तो वह लागोड़ी थी मार सीता जी की खबर करने अबे तो सीता जी की खबर ही लागी तो हमें हिरोण पानी करना जो को ठीक रही। तो वे टेमे माता सीता ने कहे हे माता मैया मैं भूखा भोजन पाऊं देवो हुक्म तोड़ फल खाऊं सारा अपना बड़ दिखना हूं मैं इमी दिलायो हूं मुंदरी अगर मारो बड़ो ठा करनो है तो थोड़ो हुक्म दो तो हिरोणी कर लूं और थान मारो बड़ो ही पतो पड़ दी। तो सीता जी देख बोले बोले हे हनुमान इन लंका रे मिले थारो बड़ा बड़ा सूरवीर रे और तने मार दी तो मैं पाचो समाचार केरे हक दे तो उन टेम हेलो बाटी गणो ही को मत करिया लोग हां नहीं नहीं गणो ही को या पर हने हेजेड रखो ने पछे आयो हम जी को आवे ने क्योंकि आजकल थोड़ा जग रेडीमेड ज्यादा लगन लग गया क्यों हड़वे में हाई होय में ठा कहीं पड़े को नहीं हाई होय कर बुआ जावे अरे कहीं पले पड़ी के वहां पड़ी लाख डेढ़ लाख रुपया घर हुई और कहीं कोई नहीं बड़े रा कहता संत महात्मा री केड़ो के भोजन और भजन जग पर बैठ पर होरी होनो चाहिए जिके में फायदो है पण आजकल हमें नाचना और कूदना और काम बहुत विचित्र है मानी कई जगह के महाराज लेडीज लाया गए मैं तो एक लाया जे रोता फिर था हम भी लियो मैं तो जरूर है कौन भाई कनो लेडीज रो भगवान रो जागरण देनो एक मेहंदी रात करनी तो उनटे में हनुमान जी महाराज माता सीता कहो देख हनुमान हर गांव री एक मर्यादा होए और आदमी ने मर्यादा कभी तोड़नी नहीं चाहिए बोले कई मर्यादा है माता बोले हे हनुमान इन बागरी मर्यादा है कि जिके फल जमीर माथे पड़िया नहीं बे उठार तो खाली तोड़ी मत ना क्योंकि अटे 100 आदमी काम करे पोरेदार रेवड़ा है खेलड़ी खेलड़ी होड़ा ध्यान रखी हनुमान जी महाराज के अगर मां जमीन माथे पड़िया तो हूं तड़ा फड़ो करूं जिको ने मन तो बैठ रही जगह बैठ हिरण कर लेऊं बोले ठीक है। तो हनुमान जी महाराज हनुमत दौड़ बाग में आयो और भी बाग रमी ने कई काम करे के जिका पेड़ लागोरा जको ने जड़ों काटना हरु करिया पत्ता सबर ने नीचे ने कर दिया जड़ों सबर ऊपर ने कर दी के माता रखेड़ा के जमीन माथे पड़िए खावना है अपन तो हम हेगड़ा जमीन माथे पड़िया तो जिकते में हनुमान जी महाराज एक पहाड़ो निदान कर ढुका तो राक्षस के उंडा करे बांदर तने ठायो बात कह रहे है हनुमान जी महाराज कह रहे गेला जे भैंस ने ठावे के हगोरो खेत तो गवार क्यों मिटे रे भाई मारो बढ़िया रखा कह रो भाग कह रो नहीं मन तो भूखो हूं मैंने हिरण करनो है बोले ठहर तने पहला मारो युद्ध करना पड़ी हनुमान जी महाराज कहले पहला हिरण करना पड़ी नहीं तो हनुमान जी महाराज आगे दौड़े और वृक्ष तोड़ता बे लारे राक्षसी फौज बे हनुमान जी महाराज दौड़ ताड़ वृक्ष माथे चढ़िया तो कई मोटिया हनुमान जी महाराज रो पूंछ पकड़ियो है और हनुमान जी महाराज अपनी महिमा बताने लगा पूंछ ने बताने लगा तो 20 आदमी खोचे दागे 40 आदमी और जगह पड़ी 40 आदमी खोचे दागे 50 आदमी और जगह पड़ी बाघ किलोमीटर बारे काट दी और पूंछ ने नीचा उतर ठेठ आसमान रखने ले जा धूनी दी तो कई कोस माथे पड़िया कई डेढ़ कोस माथे पड़िया कई बाग में पड़िया परताई बेचेत्र खत्म एक कोई बागवान हिली नीला देख तो बो जा रावण ने कहूं लागो महाराज बागवान ने कहियो रावण ने बंदर के बाग में आया बोले महाराज एक बांदरो आयो है और पूरे बाग रो अपोरे मिट्टी पलित कर दिए सच्चा नाश कर दियो महाराज। तो वे टेमे रावण कह रहे थे 100 बठे आदमी काम करो और एक बांदरो कब्जे कोई नहीं बोले साहब 100 मो 99 में तो काम आ गया और हूं थारे बावड़ लायो कहीं वेजन तो कर लो महाराज नींदो बागड़ो है जो की जाए। तो वे टेमे रावण नो छोटो बेटो अक्षय कुमार
बोले पिताजी मने हुक्म दे मैं आपरे सामने बांधरी पकड़ लाऊं। तो वे टेम अक्षय कुमार और हनुमान जी महाराज बीते युद्ध छड़े और कई कवि वर्णन करे है। वहां पर हुआ झगड़ा भारी पवन सुत हनुमान की। तो कवि वर्णन करे बोले अक्षय कुमार था बलकारी हुआ युद्ध बहुत भारी। अक्षय कुमार और हनुमान जी महाराज ने युद्ध छिड़ियो तो हनुमान जी महाराज एक ताड़ रो वृक्ष तोड़ परो और अक्षय कुमार ऊपर फेंक्यो है तो जान को डबे माते ढक दी हुई थी जे लगी। जद सेनापति कयो रावण ने अक्षय कुमार तो मुक्ति पाया। बोले महाराज छोटा राजकुमार जी युद्ध में काम आ गया है तो गांव राई विचार करी रे बेटो बांदरो है कोई होली होंगे जावे जी के पास भी कुआवण देनी जावे जी के नहीं मारे एड़ो पाई भाई बांदरे बोले विचित्र लीला है। जद मेघनाथ रावण नो बड़ो लड़को मेघनाथ कहे बोले पिताजी मने आप हुक्म देव तो आप रे सामने हूं पेश करूं। तो गांव वाले टके बुद्धिमानी जीव हुए और कई जना विचार करियो और रावण हड़ो हड़ो करता हो मिन गाँव घर खाली करा है क्योंकि जावे जी कहीं छोड़े जी को नहीं बड़े मराई कटी था। मेघनाथ बलकारी युद्ध हुआ बड़ा भारी। जब ब्रह्म फांस कर डाली कपी को बांध लंका में लाई। मेघनाथ ब्रह्म फांस रो वार करियो हनुमान जी विचार करियो हमें हिरण कोणी होगी और उदमी घनी मचा ली हमें रावण ने जार ललकारना जरूरी है और रावण बैठा करना जरूरी है। तो ब्रह्म फांस रे मैंने हनुमान जी महाराज बंधिया है और बांध पड़ा और लंका रे मैंने रावण की कचड़ी में हनुमान जी महाराज ने पेश करिया है। तो हनुमान जी महाराज जा और रावण ने उपदेश देना शुरू करिया कि तू सुन ले रावण मोरी अरे मैं मौत टाल दू तोरी। हे रावण तने एक थारी इतनी बात कहूं अगर थार समझ में आवे जन तो ठीक है पर नहीं आवे जने भाई थारी भोई है ज्या होई। तो आदमी रो कोई बुरो समय आवे नहीं जिके हम सजन मिनक हुए जो को सुई सीख दे ही नहीं हुए टेवन हुए ने खारी जेर लागी कि ओ मने लारे राखन में आए यो को ठानी के दुश्मन की कृपा बुरी और भली सजन की त्रास अरे गर्मी कर बादल करे फिर वर्षण की आस ही दो बरसादी को एन भैया में पोर महीने में ही पड़े बी में ही गर्मी तो जरूर हुई जे। तो भले मिनक री अगर सीखू बे तो बी मिनक में फोड़ा को पड़े नहीं और दुश्मन बोई हुए जो को कह नहीं के ठिगा पोटार गिड़के चाड़ दे तो बहुत सुजन आदमी हो जो आई कई बैठा हुआ पर हारू काम कोनी तू मत ये अड़ुज मती ना पर तो बीते हुए मौने कोने नहीं हूँ करोड़पति ने चौनस है जगह मारा आड़ा फिरे। तो वेटे में कभी लिखे के मेघनाथ बलकारी हुआ झगड़ा बहुत भारी ब्रह्म फांस में बांध कपी को बांध लंका में लाए और रावण ने जा हनुमान जी महाराज उपदेश सुनाए। हनुमान जी के सुन रे रावण मोरी में मौत टाल दू तोरी। हे रावण थारो और कुटुंबरो अगर भलो चावे तो तने एक थारे समझरी बात को माने तो मर्जी थारी है क्योंकि भगवान श्री राम है जे के मर्यादा पुरुषोत्तम है और जो भी भगवान की शरणागत में जावे भगवान उन जीव ने कदी नहीं मारे। हे रावण तू तो
और भगवान रे खने तू माँ जगत जननी सीता जी ने ले और भगवान राजार तू पग पकड़ ले सीता जी ने भोला दे तो थारो थारे कुटुंब रो दोनों रो भलो हो जी नहीं जने भाई ये लंका रो खो ना सोनो है। रावण कह रहे तने ठाए तू कह रहे हम उबो तीनों लोका रो विजेता लंका पति रावण जिके हूं देवता भी थर्रवे तीनों लोक थर्रवे तू मने चेतावनी दे मौत मारे कुंड कुएर में ऊंधी नाली उड़ी नव ग्रह मारे पानी भरे और तू मने डरवे बोले रे रावण जी के मैं समय माड़ो आवे नहीं यार दोस्त तो घना रह गया कुटुंब परिवार तो बहुत रह गयो पर शरीर गाबा है ऐ खावना हरू हो जावे बोलो पण रावण हनुमान जी बुरा ने कह तू रावण में आर को बोलो बोले तू मने उपदेश दे तो रावण चौदह विद्या नादान हो संसार में दो जोधा एड़ा होया जिके चौदह विद्या सीखिया एक तो राजा भोज बगड़ाओ तो जो को चौदह विद्या नादान हो और एक राजा रावण हो जो को चौदह विद्या नादान हो। पर रावण में हनुमान जी महाराज कहो भाई माने तो मर्जी थारी तो रावण कहो ये बंदरी ऐसी दशा करो जिसी प्रकार लुगाई रो छोड़े श्रृंगार रूप होया करे जहां बंदर रो श्रृंगार हो पूछ ही जे और पूछ बढ़ जाए नी दिन आप वाले भाई पेन दशा जड़ो को रहे तो ये बांदरी पूंछ बाड़ दो जो को इने देख परा लार लाई आने हिम्मत को करे लंका में तो हनुमान जी महाराज ने ले जा और पूंछ रे माते रोई पड़े तो आग लगावे तो हनुमान जी महाराज कहीं देखो आप री पूंछ री चमत्कार बतावे भगवान रो नाम ले और लंका में कहीं हाहाकार मचावे सारी लंका में पूंछ घुमाई घर घर में आग लगाई घर घर में आग लगाई कभी लंका में हाहाकार मचाई पवन सुत हनुमान की हनुमान जी महाराज ने पूछ में आग लगाई है तो सारी लंका में पूछ घुमाई घर घर में कपी ने आग लगाई लंका में हाहाकार मचाई हाय बड़ा रे हाय बड़ा रे हाय बड़ा रे हाय बड़ा राक्षण रे माथा हो गया बारोड़ी बखड़ हो गया सारी लंका में पूछ घुमाई घर एक विभीषण का नहीं लंका रे मिने विभीषण जी रो घर छोड़ियो विचार करियो अपोत्रो ओ तो अपोरे भगवान रो भक्त है और समुद्र में जाई कपि ने पूछ बुझाई और मात सिया को कपि ने खबर सुनाई सीता जी रे खने गया जिस टाइम सीता जी पूछो रे हनुमान लंका में हणे राजी खुशी होता रोड़ो रफाड़ो घणो हुए भाई कोई बात है बोले हे माता इयो मारे पूछ बाड़ियो मैं और टापराज बाड़ दिया बोले क्यों भाई
बोले भगवान जी के मैं लंका में चढ़ाई करी तो राक्षस लोग बड़ा नीच हुए, बड़ा दुराचारी हुए, और भगवान तो रण में आवे बोने मारे, पण ए कटी कमरिया में लुक लुक बैठा रही तो घर घर तो भगवान मारने जावे कौन। इयारे खातर में इयारा टापरा बाल दिया जो हेंग ताड में लाजी जग एक जगह ही। और हे माता अबे आप मने हुक्म दो ताकि मैं आपरा समाचार भगवान ने दूं, और आपरे आपरी कोई ऐसी निशानी दो जो को भगवान जाता ही विश्वास कर ले। तो सीता जी कहे हे हनुमान जिकते मैं ब्याह कर परी अयोध्या आई तो का मने ठाए का भगवान श्री राम ने ठाए आ मारी चुड़ामणी भगवान मने दी थी और आज जाता ही भगवान ओड़क ले तू भगवान ने बता दी। तो हनुमान जी महाराज सीता जी कनु चुड़ामणी लिए प्राप्त हो रवाने हुए और 400 कोस रो समुद्र पार कर और रामादल में आवे तो आपरा हनुमान जी महाराज सीता जी रा समाचार भगवान ने देवे और कहे हे प्रभु। भगवान हनुमान जी महाराज ने देखो और मन में बड़ा प्रसन्न होया कि हे हनुमान आज नी होनाला कार्ज में थे मारा सारिया है तो भरतू अत प्रिय भाई हमारो। बोले भगवान मैं भाई नहीं आपरे चरणों रो दास हूं क्योंकि मने सिर्फ चाहिए तो आपरी भक्ति चाहिए और कहीं को चाहिए नहीं। निस्वार्थ भाव के भक्ति करे मोरी परमात्मा सदा भेड़ो रहे, और सेवा में अगर कोई तरह स्वार्थ हुए तो भगवान विचार करियो तो आपरे स्वार्थ रे खातर मने याद करे। पण श्यामी जी महाराज कहया करता कि हे भगवान सबका भला करो तो सब रो भलो योजना पोई भेड़ाई जाओ। अर कह दे महाराज मारो एकलेर भलो करो और गांव भली पाटे हो तो गांव ही आपा भेड़ाई आपा उतर जाओ आपा ही गोई तो सब रो भलो वेज ने गांव पूरे रो भलो वेज ने आपा ही भेड़ो ही होई लारे आपा नहीं को छोड़े नहीं। तो वे टेम में हनुमान जी महाराज भगवान श्री राम ने क्यों लगा सीता बैठी बीरे के माई बेगा चलो राम रघुराई कर दो लंका में चढ़ाई रे संग ले लो लक्ष्मण हनुमान की। बोले ब्रह्म ऋषि चेतेश्वर दाता की। तो कहवे हनुमान जी महाराज कहवे हे प्रभु मैं उन बागरवी ने 10 मिनट सीता जी का दर्शन किया तो बे 10 मिनट मारे 10 वर्षा जीता दौरा निकलिया बी तलवारों रे मैंने नाना प्रकार राक्षसी ना सीता जी ने बेदुख दे रही है और मने रीस गणिया ही पण मारो बस नहीं चालियो और बे 10 मिनट मारे लिए 10 वर्षा जीता निकलिया तो सीता जी बड़ा दुख में बैठा है। हे प्रभु अब तो लेट करो जीती घाटे वाली बात है। सीता बैठी है ब्रह के माई बेगा तलो राम रघुराई कर दो लंका में चढ़ाई और संग में ले लो लक्ष्मण भाई और कभी तुलसीदास यस गाई मात सिया की खबर लगाई। बोले पवन सुत हनुमान की आ तुलसीदास जी ने इति ताई गाइडी है और बहुत सुंदर कांड तो देखो 2.5-3 घंटा रो है महावीर बलवान का रघुवर का सारिया है
बहुत सुंदर गांव तो बहुत लंबो चौड़ो क्या के बहुत रोड चंद।